पुणि तातिले चासी तहसील घेराव करिला बीजेपी एभली विभिन्न समस्या को नहीं चासी आज अभियोग आनी धान उठुनी मंडी आसन्तु सीधा आम आलोचना करवा आम सहित जोड़ी होती एठाकर चाषी भाई मैंने सहित जिला सभापति गोकुलनाथ मंदिक जो भाव में चाषी कौन समस्या रही आज तहसील अफिस् घेराव करने तहसील धारणा देते किमी आम सीधा आलोचना करवा चाषी भाई मैंने प्रथम पचार बुझा कौन हो भाई आप कौन अभियोग रही है कौन कहे सर करचुली सेवा समवाय संस्था करचुली दिल्ली प्रधान मोर 15 तारीख रु टोकन आसला कि बारंबार सोसाइट सेक्रेटरी पाखक गले सी कहते टार्गेट तो ना आम कौन करू बारंबार धाई धाई आम आलिया फल तहसीलदार अफिस् को आसी धारण में बस आज्ञा फेब्रुआरी 15 तारीख धान उठाना सेक्रेटरी कहते टार्गेट तो ना आम कौन करूँ निश्चित भाव में जो चाषी अभियोग करते धान उठूना जो भाई धान फसल अमल कर घर पकई रखते जो खरार किसी धान पड़ रही है यह समस्या नहीं चाषी आज अभियोग आनी आज चाषी पचार बुझा कौन कहे कमी कौन रही समस्या बाबा तुम कौन कह धान आम उठूनी सब षंड गाई गोर खाऊँ बस्ता फाटी जाऊँगी नाना प्रकार असुविधा होमर बीरजीपुर पंचायत आउ से धान ना कथा कहले से कहते टार्गेट नाई टार्गेट सरीगला टार्गेट आईल नबू आम सब टोकन गोटे गोटे दे दी बास से धरी बस आम धान किए ना कथ कह शुणी हाँ धान कौट रखी बर्तन धान मोर अधा मिल अच्छे अधा मो घर अच्छे कौन कौन सेक्रेटरी टार्गेट आने बिल कौन आउ कौन आार्गेट न आई ना धान कौन पांच किलो ना काट समस्त बर्तमान सुधा मंडी अच्छे नाई कि मिल धान काट मिल कंट्राक्ट अच्छी धान जब तुम मंडी ना ने निश्चित भाव में चाषी मैंने जो भाई अभियोग आणुते जो भी धान खड़े पकई रखते कि निज घर पकई रखिंट कितु बर्तन सुधा धान कौन मंडी उठु ना चाषी अभियोग करते प्रक्रिया आम पाखे अच्छा जड़े सरपंच प्रतिनिधि पचार बुझा कौन तरह अभियोग रही चाषी मैंने आज तहसील अफिस् घेराव करते कौन कौन कहे कमी देखुं चाषी मैंने जो आज अभियोग करते धान उठूना कौन असुविधा रही देखो बीरंचीपुर ग्राम पंचायत जो समवाय समिति अच्छी से 450 चाषी अच्छा 350 चाषी सब 150 चाषी धान उठी आहरी 9,000-10,000 क्विंटल पाखापाखी धान उठवर अच्छे टोकन समस्त टोकन देते क्या 15 क्या 2 क्या 3 एम सब टोकन देते कि धान गोटे उठुना उठुना खोलार धान नष्ट हो आगामी दिन कौन दाबी रहा देखो ए विषय तो आम बर्तमान तहलदार महोदय को अनुरोध कलु आउ एआरसी सी एस को फोन्रे कहीलु सीएसओ को फोन्रे कहीचु से प्रतिश्रुति 10-15 दिन भितर उठाई जदि न उठो तहसील अफिस् घेराव कर धान आणिक भर्ती कर निश्चित भाव में क्योंकि ना क्योंकि चाषी तो विभिन्न समस्या रोचे जो भाव में समस्त चाषी मैंने क्योंकि ना क्यों धान देना जो सोसाइट सेक्रेटरी कि अवहेला करते चाषी प्रति अणदेखा करते जो भाव में एठिकार सरपंच प्रतिनिधि कही रखुते जदि धान न उठाजी तहसील अफिस् घेराव करने धान व्यवस्था आनी रखा कि प्रक्रिया आज जड़े अच्छा पचार बुझा जी कि बीजेपी जिला सभापति गोकुलनाथ मल्लिक आलोचना करवा कि तहसील सहित आलोचना करेंगे कि चाषी समस्या समाधान हो कौन कहे देखो आज बुगुड़ा ब्लक समस्त सोसाइटी बुगुड़ा ब्लक जाऊँ 22 पंचायत 21 पंचायत 21 पंचायत समस्त सोसाइटर अंतर्गत चाषी मैंने विभिन्न पंचायत रु आज आसी तल दिन आम अभियोग करूँ जे जो माने प्रकृत चाषी तांकर जो धान को आज पर्यंत उठा जाए ना जो माने अणचाषी बा जमी ना मिल एवं सेक्रेटरी एम मिली भगत जो हरी लुट हो दुर्नीति ये दुर्नीतिर गंध बारी हो जो माने प्रकृत चाषी से मानकर आज पर्यंत धान उठी पारिना आपण मैंने चाषी मान प्रतिक्रिया नौते जे आज साधारण चाषी गरीब चाषी ऋण भार करज भार आक्रांत हो सारा धान खोलार गाई खाऊ बारा खाऊ हाथी खाऊ तार धान बर्षार मध्य किछि जो अदिनिया बर्षार पानी भिजि गजा हो सारा किंतु चाषी दुख ये सरकार जो कुंभकर्ण निद्रे शोइचंती जिला प्रशासन एवं ब्लॉक प्रशासन रो कुंभकर्ण निद्रा भांगुना आम तल दिन जा खोलखाड़ी
ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସାତ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ, ନହେଲେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆସି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆସନ୍ତା ଏଗାର ତାରିଖ ଭିତରେ, ଦଶରୁ ଏଗାର ତାରିଖ ଭିତରେ ଚାଷୀ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯଦି ଧାନ ଉଠା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ତହସିଲଦାର ସମ୍ମୁଖରେ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀର ହକ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ଚାଷୀ ପାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଏ ବ୍ଲକରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ? ମୁଁ କର୍ତ୍ତୁଲି ସେବା ସମବାୟ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 17,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ 11,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଜି 15,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ହେଲାଣି। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ ଉଠାଣ ହୋଇଯିବ, ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଣ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଣ କରି ଆଜି ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ତହସିଲଦାର ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ଦିନ, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଏମିତିକି ଯେଉଁ ରହିଛି ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯଦି ଧାନ ଯଦି ନ ଉଠାଯାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବୋଲି ଚେତବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।